चाहता हूँ, हमारे मीडिया कर्मचारी, अभी मैं 2-3 दिन पहले ना प्रोटेस्ट करने गया था, वहाँ पर हमारे मीडिया कर्मचारी, बताओ जो देश की आवाज़ उठाता है, जनता की, पब्लिक की आवाज़ उठाता है, आज उसको अपनी आवाज़ के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा। अब बताइए, यानी कि ये वो सरकार है किसी को सुनकर राजी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि सरकार ये जो तानाशाही रवैया अपना रही है ना, मैं तो कहता हूँ सरकार को चाहिए कि जितने भी गरीब हैं ना, उनको एक जहर के पुड़िया देके मार दो भैया। अरे सिरिंज से खून निकालने से बढ़िया तू एक बार गला घोर देना रे भाई। मैं कहता हूँ, मैं आपको सोशल मीडिया के सामने बयान दे रहा हूँ, जेल भरो आंदोलन शुरू करूँगा, जेल भरो। मैं खुद अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पहुँचूंगा, अपने लीडरों को, अपने वॉलंटियर को, अपने ड्राइवरों को लेकर पहुँचूंगा, लाखों ड्राइवरों को लेकर पहुँचूंगा, जेल भरो। मैं, मुझे नहीं रहना अपने यहाँ पर, नहीं अपने घर में नहीं रहा, मुझे जेल भरो, मैं खुद लेके पहुँचूंगा, आपको होशोहवास में बयान दे रहा। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद जी, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ हरियाणा जींद के धरती पर आया हूँ। कौन सी जगह से? लुधियाना, लुधियाना, लुधियाना। तो बहुत अच्छा प्यार मिला है, और सभी यूनियन, सभी संगठन का जो है समर्थन मिला है, और बहुत जल्द आने वाले टाइम में अगर सरकार अगर नहीं सुनती है तो देंगे। बाकी हमारे जींद जिला अध्यक्ष हमारे नरेंद्र जी, सरताज भाई, सभी लोगों ने बयान दे ही दिया, एक ही बयान है वो साहब राम, यानी कि अब की बार ड्राइवर सरकार, और देंगे चोट के मार वोट से, यानी कि इस बार देंगे चोट के मार वोट से। अगर नहीं सरकार मानती है तो देखते हैं सरकार कब तक करेगी, यानी कि ये सरकार एक तानाशाही सरकार है, और गरीबों की सरकार, ये गरीब के नाम पर रोटियाँ तो सेकती है। अभी आप लोग, अभी हमारे नरेंद्र बुआना जी और भी हमारे साथी बता रहे थे, और मैंने भी आप इस बात को कहना चाहता हूँ, एक सरकार ने चुनाव को जीतने के लिए, अब सरकार को एक खतरा मंडराने लगा है, तो भारतीय ड्राइवर के लिए एक जुमला छोड़ा है, हालांकि वो बनाना नहीं, सरकार जाने वाली है, सरकार सिर्फ 1.5-2 महीना रह गया, जाने वाली है, पर इलेक्शन में वोट लेना है, और 22 करोड़ तो ड्राइवर है, आगे हर घर में 4 वोट हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अब डर सता रहा है कि भैया मेरी कुर्सी कहीं खतरे में ना चली, या मेरा वोट बैंक टूट ना जाए, या मेरी वोट बट ना जाए। तो सरकार ने क्या किया कि एक ड्राइवर समाज को, ड्राइवर यूनिटी को गुमराह करने के लिए जुमला छोड़ दिया, जैसे कि हर एक तरह के छोड़ती रहती है, और ये वो सरकार है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, ना फौजी भाइयों को छोड़ा, ना किसान भाइयों को छोड़ा, यहाँ तक कि मीडिया कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा। आप मीडिया कर्मचारी को भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मीडिया कर्मचारी, अभी मैं 2-3 दिन पहले ना प्रोटेस्ट करने गया था, वहाँ पर हमारे मीडिया कर्मचारी, बताओ जो देश की आवाज़ उठाता है, जनता की, पब्लिक की आवाज़ उठाता है, आज उसको अपनी आवाज़ के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा। अब बताइए, यानी कि ये वो सरकार है किसी को सुनकर राजी नहीं है, किसी के भी बात सुन के राजी नहीं है, बस आप सुना तो है उनके, सुना जो इनके गीत गाँव है। हाँ, यानी कि ये बिल्कुल जी, ये जो उद्योगपतियों के सरकार है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के सरकार है, ये कोई गरीब के सरकार नहीं है, गरीब के नाम पर रोटियां और सेकी जाती है, पर गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिलता है। और आने वाले टाइम में देखिए सरकार जो है ना, अब मैं तो कहता हूँ कि सरकार ये जो तानाशाही रवैया अपना रही है ना, मैं तो कहता हूँ सरकार को चाहिए कि जितने भी गरीब हैं ना, उनको एक जहर के पुड़िया देके मार दो भैया। अरे सिरिंज से खून निकालने से बढ़िया तू एक बार गला घोर देना रे भाई। अब ड्राइवर, बताइए एक ड्राइवर 10,000 कमाने वाला, गाड़ी घोड़ा है साहब, वो लग जाती है, आपके भी घर में ड्राइवर होंगे, आपके भी भाई बहन होंगे, आपके कोई पत्नी होगी, भाई होगा, अब उसके से जाने अनजाने में कोई गलती होगा तो वो कैसे चलेगा काम, 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? और बड़े बड़े कॉरपोरेट, इसमें जो इंश्योरेंस कंपनियाँ जो है ना दाखिल है, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनियाँ दाखिल हैं, और सरकार, अब पहले क्या था कि बीमा कंपनी से बीमा क्लेम दिया जाता था, अब क्या होगा कि ड्राइवर जो है क्लेम देगा, ये समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े ये जो पॉलिटिशियन और बड़े बड़े ये जो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस बीमा कंपनियां, ये मिलकर साजिश रच रही हैं, और सरकार ये सोच रही है कि हम काला कानून लागू कर देंगे, ये हरगिज़ नहीं होने वाला है। अगर सरकार नहीं मानी, अगर चुप चुपैते लागू कर दिया, तो मैं कहता हूँ, मैं आपको सोशल मीडिया के सामने बयान दे रहा हूँ, जेल भरो आंदोलन शुरू करूँगा, जेल भरो। मैं खुद अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पहुँचूंगा, अपने लीडरों को, अपने वॉलंटियर को, अपने ड्राइवरों को लेकर पहुँचूंगा, लाखों ड्राइवरों को लेकर पहुँचूंगा, जेल भरो। मैं, मुझे नहीं रहना अपने यहाँ पर, नहीं रहा अपने घर में, नहीं रहा, मुझे जेल भरो, मैं खुद लेकर पहुँचूंगा, आपको होशोहवास में बयान दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में अगर सरकार भारतीय ड्राइवर के लिए कहीं कमीशन, आयोग नहीं बनाती है,
या उसके लिए वेलफेयर बोर्ड नहीं बनाती है, या उसके लिए कोई 365 दिन में एक दिवस लागू नहीं करती है और काला कानून वापस नहीं लेती है, तो आने वाले टाइम में आपको मैं बता रहा हूँ, सुरेंद्र प्रसाद होशो आज में बोल जेल भरो आंदोलन देश में चालू होगा और सरकार जो है उस पर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये बात आपने सुनी है, लेकिन बात उड़े आवे है, दर्द है कहीं ना कहीं, ये ड्राइवर नहीं हर ड्राइवर के अंदर में एक दर्द है। और सच्ची बात है, देखो नुवागरा भाई, बिला जिसकी खाओ बोकड़ी उसके गाओ गीत, सरकार के जो गीत गाओ है वो आदमी सही है, जो उसके खिलाफ बोला है वो आदमी गलत है, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी। 16 तारीख का हरियाणा का, पूरे भारत का। साथियों, ए टू जेड न्यूज चैनल की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चालक संघ जींद से, रोडवेज से, सह सचिव प्रेस प्रवक्ता, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो भी कॉल होगी किसी भी यूनियन की ड्राइवर के हित के लिए, हम सदैव आपके साथ खड़े मिलेंगे। 24 तारीख को रोडवेज आपके साथ है। तो भाई 16 तारीख ने जो है चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, और 24 तारीख ने फिर रोडवेज का माध्यम से चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। वीडियो जरूर आपने शेयर करनी है। जय जवान, जय किसान।